सफाई ही नहीं हुई कुछ भी क्लीन नहीं हुआ है जैसे भांगड़ा वगैरह होती है और इसमें जो दूसरा हलवा था ना घीला वाला को तो कुछ खाना ही नहीं होता बस ना ऐसे तक ये पेपर जो है ना बच्चों का कैंसिल हो गया ये लास्ट पैकेट था जो मैंने बना के आप के आप मैसेजेस पढ़ लेती हूँ दो किलो टमाटर ले रहे हैं तो चार प्याजे कर तूफान आ रहा है तूफान आ रहा है इनके लिए तैयार किया तो चिकन मौजूद बोनलेस और बिल्कुल जैसे हलवाई वाले के पास होता है अलई से जो रबड़ी जैसा फ्लेवर है ना अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे मैं भी खैरियत से हूँ तो आज के ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं और ये सुबह का टाइम है आज का पेपर जो है ना बच्चों का कैंसिल हो गया तो क्योंकि हर तरफ यही शो हो रहा है कि तूफ़ान आ रहा है तूफ़ान आ रहा है तूफ़ानी बारिश बारिशें स्टार्ट होने वाली हैं और गर्मी गर्मी हद तक पहुँची गई कि मैं बयान नहीं कर सकती आज भी हमारा यही रोना है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा क्योंकि बारिश होने वाली है तूफ़ानी बारिश का कहा जा रहा है तो इस वजह से जो है ना गर्मी का बहुत ज़्यादा जोर है और बच्चों के पेपर भी इसी वजह से कैंसिल हो गए तो बस बच्चे लेट रहे थे तो उन्होंने नाश्ता भी लेट किया और उसके बाद फिर मैं जो है ना यहाँ दोपहर का खाना बना रही थी बना चुकी थी बल्कि तो वो मैं आपको दिखा रही थी इन इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी तो ये हम मेरी जो फिश थी ना ये इनके बाबा ज़रा ज़्यादा ले आए थे तो ये लास्ट पैकेट था जो मैंने बना के इसको ख़त्म किया मैंने कहा इसके ना फ़िश कढ़ाई बना लेती हूँ क्योंकि फ़िश कढ़ाई जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त लगती है टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है और ना क्या बताऊँ मैं आपको मैं आपके साथ इसकी ना रेसिपी शेयर करूँगी और फ़िश कढ़ाई ये वाद सालन है जो मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं वरना वो बोलते हैं ज़्यादातर कि अम्मी आप फ़िश को ना फ्राई कर लें सालन ना बनाए उनको सालन पसंद नहीं है लेकिन ये वाला फिश कढ़ाई जो है ना ये लोग बच्चे बहुत शौक से खाते हैं इसकी रेसिपी भी मैं इन अभी इसकी वीडियो की एडिटिंग नहीं हुई है जब हो जाएगी तो फिर मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी तो ये ना बहुत टेस्टी सालन बनता है बहुत ज़बरदस्त होता है इसका टेस्ट मैं बयान नहीं कर सकती आप किसी भी फिश पे बना सकते हैं लेकिन यह है कि उसके पीस जो है ना मतलब इसी तरह के होने चाहिए ज़्यादा बड़े ना हो जैसे भांगड़ा वगैरह होती है ना फुल साइज़ की ऐसी ना हो उसका सालन नहीं बन सकता इस तरह के पीसेस का सालन बन सकता है और ये देखिए आज जो है ना मौसम थोड़ा बेहतर हुआ था क्योंकि बारिश होने वाली है तो अब थोड़ी सी ना हवा भी चलनी शुरू हुई थी लेकिन बारिश अभी तक नहीं हुई अच्छा और ये जो फिश कढ़ाई जो है ना ये वैसे तो बहुत जो है ना भुनी हुई बनती है मतलब इसमें ग्रेवी नहीं होती लेकिन मैंने ग्रेवी इसलिए रखी है क्योंकि मेरे बच्चों को ना ग्रेवी पसंद है वो ग्रेवी वाले सालन जो भी हो चाहे चिकन का हो ये हो वो कहते हैं ग्रेवी होना लाजमी है तो इसलिए मैंने ना थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा रखी तो आप लोग चाहें तो आप इसे भुनावा बना लें बिल्कुल जो होता है ना भुनावा सालन उस तरह से भी बना सकते हैं जैसे कढ़ाई होती है भुनी हुई और अगर ग्रेवी ही आप चाहते हैं तो ग्रेवी भी तो वो तो खैर जब मैं रेसिपी आपको बताऊँगी तो उसमें सारी चीज़ें आपको समझा दूँगी तो बस वही आपने दोपहर का खाना कर रही थी जो कि बहुत लेट हो गया था और अच्छा हाँ आप लोग के कुछ मैसेजेस थे कि वो जो मैंने आपको टमाटर की प्यूरी बताई थी उसमें प्याज ज़्यादा डालने का हम लोगों ने पूछा था तो मैं उस वक्त और वहाँ पर रिप्लाई नहीं कर पाती टाइम नहीं मिलता मैं आप लोग के मैसेजेस पढ़ लेती हूँ और वीडियो में रिप्लाई दे देती हूँ ठीक है तो तरीका ये है कि आप चाहते हैं कि टमाटर के साथ प्याज भी ज़्यादा डालना तो आप प्याज दो लार्ज साइज़ की डाल दें किलो टमाटर में इसी तरीके से आप बढ़ाते जाएं अगर आप दो किलो टमाटर ले रहे हैं तो चार प्याजें कर लें तीन किलो टमाटर ले रहे हैं तो छः कर लें बस इस तरह से मतलब ऐसा नहीं कि जितनी टमाटर हो उतनी ही प्याज हो उसको मिलाकर आप ग्रेवी बना लें ऐसा नहीं कर सकते टमाटर ज़्यादा रखें और प्याज की क्वान्टिट्टी इतनी रखें तो अगर आप ये चाहते हैं कि प्याज और टमाटर दोनों को ज़्यादा लेकर हम पीस लें यानी जितने टमाटर होते ही प्याज लेकर उसकी प्यूरी बना लें तो उससे ये होगा आपका जो सालन है ना वो मीठा मीठा हो जाएगा प्याज से ना मिठास सी आ जाएगी तो प्याज कम रखें और टमाटर की जो है ना क्वांटिटी ज़्यादा रखें अच्छा इस तरह शाही टुकड़ों के बारे में भी पूछा गया था कि हम मिलाई की जगह क्रीम डाल लें तो देखिए मैंने तो घर की रखी चीज़ों से आपको बताया था कि अगर आपके घर में मिलाई अवेलेबल नहीं है आपको ख़रीदनी है तो क्रीम से भी अच्छा बन सकता है लेकिन मिलाई से जो रबड़ी जैसा फ़्लेवर आएगा ना वो बहुत उमद्दा है फिर जो है मैं यहाँ पर कपड़े जो है वो सैड करने बैठ गई थी क्योंकि काफ़ी टाइम से ना हमारे पानी का बड़ा शॉर्टेज चल रहा था पानी कमा था तो ना पानी जब कमाता है ना तो कपड़े भी बहुत ढेर हो जमा हो जाते हैं हमारे तो वॉश हो जाते हैं लेकिन जेंट्स के जो होते हैं ना जैसे इनके बाबा के तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है जेंट्स के कपड़े वॉश करने के लिए तो क्योंकि उनके रोज़ के होते हैं और बाहर डस्ट वाले होते हैं तो लाजमत तो उसमें पानी भी बहुत लगता है तो बस जब पानी आया खुल के तो ये सारे कपड़े वॉश हुए ऐसा लगता पूरी जो है जमारी के कपड़े बाहर निकल के आ गए तो बस ये सारे वॉश हो गए और जब वॉश इतना से जब भी ऐसा लगा था कि पूरा घर फैला हुआ है और अभी भी जब तक ये कबट पर ना सेट हो जाए ना जब तक ये इतना फैला हुआ इतना फैला हुआ लगता है कि ऐसा लगता है घर में सफाई ही नहीं हुई कुछ भी क्लीन नहीं हुआ तो बस मैं यहाँ पर इसको जो है ना सेट करी थी और या मैं बच्चों के कमरे में बैठ के करी थी तो बस रूम में ना अपनी स्टडी कर रही थी पेपर की तैयारी कर रही थी तो वो रूम बंद कर लेती है मुनसफ़ की वजह से ना क्योंकि मुझसे जो है ना बार बार जाकर उन्हें डिस्टर्ब करते हैं उसको अपनी बहनों के बगा गुजारा नहीं है तो इसलिए मैं वहीं हाँ बैठ गई थी मैंने कहा हाँ मैं सारे इस पहले इसको सेट कर लेती हूँ तो उसके बाद ले जा लिया के कपट में रख दूँगी और अभी भी मुझसे यहीं कहीं फिर रहे थे वो वीडियो में शायद आपने देखा होगा तो बस ये काम निपटाने के बाद ना आज मुझे हलवा बनाना था तो काफ़ी दिनों से इनके बाबा भी बोल रहे थे हलवे का लेकिन मैंने कहा गर्मी के जैसे से ना ज़्यादा दिल नहीं कर रहा था ना चूल्हे के पास जाने का तो मैंने कहा चलो आज बना ही लेती हूँ और जो चूँकि मुनसेब को भी पसंद है सूजी का हलवा तो फिर आज हम हलवा बनाएँगे अच्छा फिर ये शाम में जो है ना मैंने बच्चों का जो है ये चिकन वाला पराठा बनाया था लिक्विड वाला इसकी रेसिपी भी चैनल पर मौजूद है बच्चों ने कहा कि नहीं शाम में हमने जो है ना ये फ़िश का सालन नहीं खाना है तो फिर मैंने इनके लिए ये तैयार किया तो कि चिकन मौजूद थी बोनलेस और थोड़ी बहुत आलू वगैरह ही तो डल लेते थोड़ी सी सब्जियां तो मैंने कहा चलो ये इसका लिक्विड तैयार करके रख लेती हूँ फिर साथ साथ जो है ना एक तरफ हलवा बनता जाएगा एक तरफ ये तो पहले मैंने बच्चों को पराठे बना के दे दिए उसके बाद मैंने हलवा बनाया और हलवा जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त बनता है सूजी का सूजी के हलवे मैं दो तीन तरीक़े से बनाती हूँ और इन आपको साथ है उन सब की रेसिपियाँ शेयर करूँगी और एक तरीके से अच्छा हाँ एक ही तरीके से मैं दो तरह से बनाती हूँ हलवा मतलब एक ही रेसिपी है लेकिन उसमें आप जो है ना लिक्विड वाला हलवा भी बना सकते हैं जो गीला गीला सा हाँ और इस तरह का खुश्क हलवा भी बन सकता है जिसका पानी खुश्क हो जाता है बिल्कुल जैसे हलवाई वाले के पास होता है अच्छा और रेड फ्रूट कलर का तो मसला ही नहीं होता रेड फ्रूट कलर आपकी मर्ज़ी है आप शीरे में शामिल करना चाहते हैं तो कर लें और अगर आपको रेड फूड कलर पसंद नहीं है तो आप इस तरह भुना हुआ जब बनाएंगे ना तो इसका अपना कलर बहुत अच्छा आता है जब आप सूजी को भूनते हैं ना तो ये वाला ब्राउन कलर बहुत खूबसूरत लगता है लेकिन मतलब पता नहीं क्यों लोगों को ज़्यादातर जो है ना वो रेड कलर का हलवा पसंद है कि वो हलवा पूरी वाला रेड कलर का हलवा होना चाहिए रेड होना चाहिए वो शायद हलवा पूरी की वजह से लोगों को ज़्यादा पसंद होता है तो मसला नहीं है आप शीरे में आप रेड कलर डाल सकते हैं और ये वाला हलवा रेड कर सकते हैं तो वो बहुत ये हलवा बना था और मुझसे अपने बड़े शौक से खाया तो कि काफ़ी टाइम बाद मैंने बनाया था पहले मैं ज़रा जल्दी जल्दी बनाती थी लेकिन ये कि अभी गर्मी की वजह से मैं थोड़ा लेट लेट बना रही हूँ और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्द सब्सक्राइब करें बेल आइकन के बटन को प्रेस करें इससे आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेटिव्स के साथ अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं और ये देखें कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ ये हलवा और इसमें जो दूसरा हलवा था ना घीला वाला वो भी बहुत शानदार बना था बहुत ही ज़बरदस्त तो मैंने थोड़ा सा वो निकाल लिया था क्योंकि जिसको वो पसंद है वो वो खाएगा और जिसे ये वाला पसंद है वो ये खाएगा तो इसलिए फिर मैं आपके साथ ना दोनों की रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी और बस फिर मैंने यहाँ जल्दी जल्दी पराठे बनाए साथ में मैंने चाय भी बना ली थी क्योंकि चाय शाम में हमने नहीं पी थी तो हमने कहा इस टाइम जो है ना मैं चाय भी पी लूँ और यहाँ ना मैं मनसिफ़ को ना बार बार बुला रही थी कि आ जाओ तुम तो भी थोड़ा सा खा लो लेकिन इन्होंने नहीं खाना था इनको तो कुछ खाना ही नहीं होता बस पसंद ऐसे ही तक करना था ये बार बार बिल्ली बन के दिखा रहे थे और अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ थे जो इनकी है पोएम्स पढ़ना और तो बस यहीं तक था हमारा आज का छोटा सा सावा उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और बस इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ इन फिर आएंगे नई रेसिपी नई वीडियो नए ब्लॉग्स लेके अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दो में याद रखिएगा है। मिलते हैं अगले व्लॉग में अल्लाह हाफिज़